इसलिए मैं तो अटैच हूँ डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से, और किसी का कोई स्थान नहीं है इस झंझट में। आम कार्यकर्ता को, आम जदयू के कार्यकर्ता को क्या मतलब है कि बड़े नेता के बीच में क्या डिस्प्यूट है? तो आप बैठे रहते थे 4 घंटा 5 घंटा, तो ये आप समझिए। और जब हमने देखा कि तलखी है स्वर में, तो मैंने डिसाइड किया कि अब हमको 1 मिनट भी नहीं रहना है जनता दल यूनाइटेड में, तो मैंने इस्तीफा कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। पूर्व विधान पार्षद और जदयू के प्रदेश प्रवक्ता रणवीर नंदन ने आज जदयू पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र दिया है। वह इस मौके पर रणवीर नंदन ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन्होंने फोन करके पूछा कि रणवीर नंदन जी आपके मन में क्या है, आप रहना चाहते हैं कि कहीं दूसरे जगह जाना चाहते हैं। मैंने पूछा कि भाई आखिर ऐसा क्वेश्चन क्यों हो रहा है, इस तरह का प्रश्न क्यों हो रहा है। तो नहीं, आप जो है नीतीश जी के विषय में आपने बोल दिया, दो बार आपका बयान आया, क्योंकि दो बार बयान आया तो एक बार था कि G20 की मीटिंग में जब इतना बड़ा देश के सामने इतने राष्ट्र के अध्यक्ष लोग आए, एक फोटो वायरल हुआ और जदयू के बहुत से कार्यकर्ताओं ने उस फोटो को वायरल किया, जिसमें माननीय नीतीश जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और झारखंड के मुख्यमंत्री जी का फोटो उसमें था। तो फिर मैंने भी उस पर अपना मंतव्य दिया कि भाई दो तरह का मैंने मंतव्य दिया। एक दिया कि राहुल गांधी का आजकल फैशन हो गया, राहुल गांधी आजकल विदेश में जाकर भारत की बातों को, आंतरिक बातों को बोलते हैं, उनका एक उनकी आदत हो गई। आप उनके बयान को लीजिएगा तो वह अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्शन उस पर था कि राहुल गांधी जी को देश के इंटरनल मामले को बाहर में नहीं उजागर करना चाहिए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की संसद का चुनाव भारतीय जनता के बीच में होता है, वो ब्रिटिश नागरिक के बीच में नहीं होता है। वहाँ कोई वोटर वोटर नहीं है, होना चाहिए यहाँ पर। एक दूसरा कि हमारे नेता मतलब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों महान ईमानदार नेता, इनके ईमानदारी पर कहीं कोई शक नहीं, दोनों वंशवाद से नहीं आए हुए, इनके पूर्वज भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, आगे भी कोई राजनीति में नहीं आने वाले। और तीसरा कि दोनों ने अथक मेहनत करके विकास किया है, तो ये दोनों नेताओं के बीच बहुत साम्य है, सिमिलरिटी है। यदि ये दोनों नेता भारत का विकास एक साथ करें तो देश बहुत आगे जाएगा। हमने ही बोला है, तो नहीं आपने क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। हम कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमको कुछ नहीं कहा, हमको क्या बोलना चाहिए, बार बार आ जाता। तो नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या इसमें बोलेंगे हमको, इस कारण कि मैं यहाँ हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण, उनके अनुकंपा पर पार्टी में भी वही हमको लाए, पार्टी में भी हमको जगह वही दी, और आज भी मैं उनसे भावनात्मक रूप से मैं जुड़ा हुआ। तो आपने बातचीत की? नहीं नहीं, हमारी बात नहीं है। तो इसलिए मैं तो अटैच हूँ डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से, और किसी का कोई स्थान नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जो हैं वो तो आप RCP सिंह के नकवाही करते थे, आप लोग नकवाही में बैठे रहते थे। तब आपको बता देते हैं सारे मीडिया को कि RCP सिंह के यहाँ लल्ले सिंह को 2 घंटा 3-3 घंटा बैठे रहते थे। तो पूरा मतलब जब केंद्र में मंत्री नहीं बने उसके बाद ये झंझट शुरू हुआ। आगे की रणनीति क्या है? तो इस झंझट में जरा पूरी बात सुन लीजिए, अब बीच में ना टोक देते हैं, पूरा बात सुन लीजिए। इस झंझट में
आम कार्यकर्ता को आम जदयू के कार्यकर्ता को क्या मतलब है कि बड़े नेता के बीच में क्या डिस्प्यूट है? तो आप बैठे रहते थे 4 घंटा 5 घंटा, तो ये आप समझिए। और जब हमने देखा कि तलखी है स्वर में, तो मैंने डिसाइड किया कि अब हमको 1 मिनट भी नहीं रहना है जनता दल यूनाइटेड में, तो मैंने इस्तीफा कर दिया। और बात हो रही है मेरे कंट्रीब्यूशन, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर कि मैंने जदयू के फेवर में 3-4 किताब हो जाएगा। हम ऐसा प्रवक्ता नहीं रहे कि चारों तरफ से आए आसाम के भूमि लेके अपना शुरू कर दिए। हम जनता के बीच 10 कार्यक्रम करके तब हम आते थे, हम ऐसे कार्यकर्ता रहे, तो इसलिए हमने इसी कारण अपना इस्तीफा दे दिया। आगे क्या कुछ करेंगे? अब आगे 2 को स्पष्ट करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर जब आप लोग को बुलाएंगे तब बातों को रखेंगे। तो आपने सुना जदयू के प्रदेश प्रवक्ता रणवीर नंदन को, जिन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी में कोई अहम कार्य नहीं सौंपा गया था, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने इस्तीफा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को दिया है और इसका एक कॉपी नीतीश कुमार को भी भेजा गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि रणवीर नंदन पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे और इस नाते से उन्हें अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को भेजना चाहिए था, हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को अपना त्यागपत्र दिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।